पीसीओडी और पीसीओएस की बात अक्सर आती है. पीसीओडी क्या होता है? सो दैट स्पेशली जो यंग गर्ल्स एंड वीमेन हैं, उन वो पीसीओडी क्या होता है, उनको हम कैसे समझा सकते हैं? पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम भी कुछ बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर हम बोलते हैं तो पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं तो पॉलीसिस्टिक पीसीओडी बोलते हैं। कुछ लोग पीसीओएम भी रेफर करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये सिंड्रोम का मकसद होता है, जैसे कि अगर हम सिर्फ एक डिजीज की बात करें तो हम एक बीमारी की बात करते हैं। जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, मतलब बॉडी के सिर्फ प्रॉब्लम एक पार्ट में है ओवरी में, लेकिन उसके सिम्टम्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे फेस पे हेयर्स आने लग रहे हैं, हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारी स्किन थोड़ी चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा उसमें हेयर्स और एक्ने आने लग रहे हैं, मतलब ऑयल ज्यादा रिलीज होने लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहीं और है और उसके सिम्टम्स हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से हम डायग्नोज करें कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, तो इसलिए उसको सिंड्रोम हम ज्यादा रेफर करते हैं। तो पीसीओएस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए हम बोलते हैं। तो ये एक तरह से मेजरली तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका रीजन आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बारे में डाइटरी फैक्टर भी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। इसमें एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि आपका ओवरी से हर मंथ जो एग बनना था, ओव्यूलेशन होता है और हर मंथ एक एग बनता है, तो वो एग जो है वो राइट टाइम पे नहीं बन रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से एक स्टेज पे आके वो ग्रोथ रुक गई है, वो ग्रोथ रुक गई है। फिर दूसरा एग बनने की कोशिश में गया लेकिन वहां पे भी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि हार्मोन उसको वो प्रॉपर नहीं मिला, उतना नहीं मिला जिससे कि वो बाहर निकल सके। तो बहुत सारे ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ओवरी में इकट्ठे हो गए, लेकिन वो उस एंड तक डेस्टिन जाओ जो उसकी डेस्टिनी है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो वो चीज हमें ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स जैसा दिखाई देता है, सिस्ट जैसी दिखाई देती है। तो उन सिस्ट को पॉली सिस्ट, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा सिस्ट, पॉली मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्ट हमें ओवरी में दिखाई देती है, जिसको हम पॉली सिस्टिक ओवरी एंड इसके साथ बहुत सारे सिम्टम, तो पॉली सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज इसको बोलते हैं। इसमें क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उस तरह से वो प्रॉपर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकले, मेम्ब्रेन प्रॉपर बने और पीरियड्स हो, इसलिए इसमें जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं, इरेटिक होते हैं। आपको लगेगा 2-3 महीने 4 महीने तक नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, क्योंकि हार्मोन्स उसको आ ही नहीं रहे, कंप्लीट कर ही नहीं रहे साइकिल को। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कॉज होता है इसका, जो सबसे ज्यादा मिलता है इसमें, कि पीरियड्स इरेगुलर और प्रोलॉन्ग साइकिल होना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग साइकिल, जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो काफी दिन तक चलती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया एक्ने, बहुत सारे फेस पे या कम बैक पे, गर्दन पे, शोल्डर पे पिंपल्स आने लगते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है फेस पे, वेट गेन होने लगता है, कई बार जो ग्लूकोज का लेवल है, जो सीरम इंसुलिन का लेवल है, वो भी चेंज हो जाता है बॉडी के। जिस ओव्यूलेशन कम होता है, क्योंकि अंडा बनेगा उसी से बच्चा ठहरेगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होता तो इनफर्टिलिटी होने का चांस होता है, आगे डायबिटीज वगैरह, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इसमें होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे जिनको पीसीओडी डायग्नोज हो गया वो जिंदगी भर के लिए अब साइकिल में एंटर कर गए। इस साइकिल को कहीं पे भी इंटरप्ट करके हम इसको वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपनी डाइटरी हैबिट से, अपने वेट को मैनेज करके हम बहुत सारी चीजों को से इसको रेगुलराइज कर सकते हैं। 3 to 6 month, कभी कभी साल भर में हम बाहर से हार्मोन्स देके साइकिल को रेगुलराइज कर लेते हैं। बहुत सारी मेडिसिन अब आ गई हैं, बहुत सारे इन्वेंशन इसको लेके हो गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, जो मैं हर बार बोलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सुरभि. पीसीओएस पीसीओडी काफी आजकल टर्म है जो सोशल मीडिया इंटरनेट में पढ़ने में आती है, बट आपने काफी क्लैरिटी से हमें बताया कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गो एंड सी योर डॉक्टर.